शिवसेना के युवा सेना चीफ आदित्य ठाकरे ने आज मुंबई अरवली के शिवसेना नेता एम के मड़वी और विनय मड़वी के आवास पर भेंट दिया और मंगल मूर्ति के दर्शन का लाभ लिया। युवा सेना चीफ आदित्य ठाकरे ने गणपति बप्पा के दर्शन के बाद मीडिया के सवालों पर तीखा जवाब देते हुए कहा कि जिन सत्ता पिपासुओं ने हिंदुत्व के नाम पर शिवसेना के साथ गद्दारी की है उन्हें चुनाव में उतरने दो, शिवसैनिक और जनता उन्हें करारा जवाब देने के लिए तैयार है। देखिए रिपोर्ट। शिवसेना के युवा सेना चीफ आदित्य ठाकरे गणेशोत्सव में राज्य भर का दौरा कर रहे हैं। आज उन्होंने मुंबई ऐरोली के वरिष्ठ शिवसेना नेता एम के मड़वी के गोठीवली आवास पर भेंट दी और गणपति बप्पा की प्रार्थना और दर्शन का लाभ लिया। इस अवसर पर निवर्तमान नगर सेविका विनय मड़ी और करण मड़वी समेत तमाम पदाधिकारी मौजूद। युवा सेना प्रमुख आदित्य ठाकरे ने यहाँ एक वरिष्ठ शिवसेना कार्यकर्ता को उनके जन्मदिन पर शाल पहनाकर सत्कार किया और बधाइयां भी दी। आदित्य ठाकरे ने मीडिया के सवाल पर शिवसेना छोड़कर गए 40 विधायकों को गद्दार करार देते हुए जमकर हमला बोला। उन्होंने एकनाथ शिंदे का नाम लिए बिना कहा कि एक व्यक्ति की राक्षसी इच्छा को पूरा करने जिन विधायकों और सांसदों ने शिवसेना के साथ गद्दारी की है उन्हें शिवसैनिक और जनता चुनाव में सबक सिखाएंगे। आदित्य ठाकरे ने शिवसैनिकों का हौसला बढ़ाते हुए बीजेपी के मुंबई मिशन 150 पर कहा कि शिवसेना हर चुनौती से लड़ने के लिए तयार है और वक्त आने पर जवाब भी दी। असल बात यही है, सही बात यही है कि एक आदमी के राक्षसी महत्वाकांक्षा जिसे कहते हैं उसी के लिए वो वहाँ गए। कभी कहते हैं कि एनसीपी की वजह से, कभी कहते फंड की वजह से, कभी कहते हैं हिंदुत्व की वजह से। असल बात यही है, सही बात यही है कि एक आदमी के राक्षसी महत्वाकांक्षा जिसे कहते हैं उसी के लिए वो वहाँ गए। कोई राजनीतिक चुनौती नहीं है। चुनाव के लिए तो वो डर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं आज ले लो चुनाव। मैं तो कह रहा हूँ चलो, महापालिका के चुनाव है, 40 गद्दारों की सीट पे चुनाव है, 12 गद्दार खासदार जो है हमारे उनके सीटों पे ले लो, देखते कौन जीतता है, जनता फैसला लेगी। वहीं शिवसेना नेता एम के मड़वी ने गणेश दर्शन के लिए घर पर पधारे युवा सेना चीफ आदित्य ठाकरे के प्रति आदर और आभार व्यक्त किया। वरिष्ठ नगर सेवक ने कहा कि मुंबई शिवसेना सच्चे कार्यकर्ताओं पर टिकी है और युवा सेना चीफ के आने पर शिवसैनिकों का हौसला और भी बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।